हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे मोबाइल स्क्रीन पे जो एड आते हैं उसे हम बंद कैसे करें, जो कि परमानेंट, जो कि बिल्कुल एड ना आए। दोस्तों हम जब भी अपने मोबाइल को ओपन करते हैं या कुछ इस तरह का, जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम या कोई भी एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो हमें कुछ इस तरह का एड आकर के बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत करता है हम लोग को काम करने में या वीडियो देखने में या कुछ भी, कोई भी हम लोग को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। तो ये सब जो मोबाइल स्क्रीन पे आने वाले एड हैं, इसे हम परमानेंट बंद कैसे करें, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सोल्यूशन देने वाला हूं, जो कि आपको सोल्यूशन दो देने वाला हूं। आपको ये दो सोल्यूशन से 100% आपका जो स्क्रीन पे एड आता है, मोबाइल स्क्रीन पे एड आता है, ये पूरा तरह से बंद हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अपने फोन में जो एड का प्रॉब्लम आ रहा है, उसे सॉल्व करने के लिए हमें अपने मोबाइल के अंदर जो सेटिंग का एप्लीकेशन है, अपने सेटिंग का एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, तो आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है एप्स का, ठीक है, ये देख सकते हैं सेटिंग। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आपको एप्स टाइप कर देना है। ऐप टाइप करेंगे जैसे ही आपके ऊपर के साइड में आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आप देखेंगे तो आपके मोबाइल का जितने भी एप्लीकेशन रहेगा सभी यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। बट जो एड आ रहा है वो एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है। आप ऊपर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 90 MB का एक जो सॉफ्टवेयर है इसी के थ्रू आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपको बिना लोगो का ये एप्लीकेशन दिखेगा, इसे अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, बाकी लोगो वाला दिखेगा इसको नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, तो यहाँ पे एक वायरस जैसा दिख रहा है और 90 MB का जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसे अनइंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है। अभी सेकेंड मेथड के लिए हम लोग मतलब दूसरा ट्रिक के लिए यहाँ से बैक चलेंगे, ठीक है। यदि उससे नहीं होता है तो आपको फिर क्या करना है कि ऊपर के साइड में आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट दिख जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, अपने फोन के सेटिंग को ओपन करेंगे और ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट दिख जाएगा आपके फोन का, जैसे कि मेरा ऑनलाइन शॉपिंग आल दिख रहा है आपको अकाउंट करके, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। आपको भी सेम प्रोसेस अपनाना है और यहाँ पे प्रोफाइल इन्फो पे जाना है और स्क्रोल करके आपको नीचे की साइड आ जाना है और यहाँ पे आपको गेट न्यूज एंड स्पेशल ऑफर का ऑप्शन आएगा। तो पहले ही मेरे पास एड आ चुका है तो इसे एस्केप कर लेते हैं। मतलब इस तरह से परेशान करता है, इतना ज्यादा ये ऐड आता है कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो इसे कट कर देते हैं। और यहाँ पे जो आपको नीचे की साइड में देख रहे हैं स्पेशल ऑफर का जो यहाँ पे इनेबल है, इसे हम लोग को बंद कर देंगे, ठीक है, स्टॉप कर देंगे। यदि आपको पहले फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसे पहले देख लेंगे, कुछ में है तो उसे अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर जाकर आपको यदि नहीं ऐड बंद होता है तब जाकर इसको आप बंद कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा पहले उसको कर लेते हैं, फिर अगर नहीं बंद होगा तो मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है, मतलब यदि ऐड आता है फिर मैं उसे बंद करूंगा। तो आप भी इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन ये जो है इसे अनइंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लिया हूँ और बाद में देखेंगे कि इसके बाद भी यदि ऐड आता है तब जाके मैं अपने उसको सेटिंग को बंद कर देंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज यार जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके फोन का एड बंद हुआ कि नहीं। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।